हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं आपको एक फेस पैक बताने वाली हूं, स्पेशली जिनकी स्किन के ऊपर, जिनके चेहरे के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, जैसे मेरे हो जाते हैं, एंड आप कोई मार्केट के ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। और सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी मेरे चैनल पर कुछ और DIYs हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर, बहुत अच्छे फेस पैक बनाती हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं और साथ के साथ उनके दाग धब्बे हैं, और आप महंगी क्रीम्स, महंगे ऑइंटमेंट, महंगे ट्रीटमेंट्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ इसको, इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है ग्रीन टी प्लस एलोवेरा जेल। ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आगे चल के आपको बताती हूँ। उसके अलावा एलोवेरा जेल के बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज का ऐसा टाइम है जिसको इसके फ़ायदे ना पता हों। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। थोड़ा सा यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है मैंने, तकरीबन आधा चम्मच। फ्रेश एलोवेरा जेल हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ मार्केट वाली एलोवेरा जेल ली है। उसके बाद मैंने ये लिप्टन की ग्रीन टी ली है, उसका पैकेट लिया है, और एक पैकेट को खोल करके मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास ये वाली ग्रीन टी ना हो, कोई और हो, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड इसको एलोवेरा जेल में अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने एक ही पैकेट को खोला है क्योंकि सिर्फ चेहरे पर लगाना है मुझे। एंड अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर आपको गर्दन पर, बैक पर, पीठ पर, इस पे, हाथ पर कहीं लगाना हो तो आप इसको ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए, ताकि ये चेहरे पर अच्छे से लग जाए। एलोवेरा जेल इसमें ऐड की है, वो लग जाएगी, ये जो फेस पैक है वह बिना पानी के भी चिपक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो ठीक हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। एंड अब मैं आपको इसको चेहरे पर लगा करके दिखाती हूँ एंड बताती हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलिए इसको चेहरे पर लगा लेते हैं। इसको चेहरे पर लगा लेना है और 15-20 मिनट्स के लिए इसको फेस के ऊपर छोड़ देना है। एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसमें भर भर के एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप ग्रीन टी की कोई भी रेंज मार्केट में देखेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करेंगे, तो इतने महंगे आते हैं वो प्रोडक्ट कि क्या कहें। अब सब तो खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो घर में है आप बना सकते हैं, और ये आसान है, और साथ के साथ ये सस्ता भी है और इफ़ेक्टिव भी है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होती है, B2 होता है इसमें, जो कि हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो विटामिन्स हैं, ग्रीन टी स्किन को यूवी रेज से बचाती है, पिंपल्स को रिमूव करने में हेल्प करती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, रिंकल्स होने से बचाती है, सनबर्न अगर हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगी, रिंकल्स को दूर करने में हेल्प करेगी। और अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की वजह से जो रेडनेस आ जाती है, या किसी और भी रीज़न की वजह से रेडनेस आ जाती है, तो उसको भी ये दूर करता है। साथ के साथ ये सभी फ़ायदे एलोवेरा जेल से भी मिलते हैं। तो आपको इसको 15-20 मिनट्स के लिए चेहरे पर लगा लेना है, और 15-20 मिनट्स के बाद इस तरीके से धीरे धीरे रब करते हुए अपने चेहरे पर से इसको निकाल देना है। इससे क्या होगा, हल्का सा आपका जो चेहरा है, वो जो डेड स्किन होती है हमारे चेहरे पर, वो स्क्रब, ये स्क्रबिंग का एक तरीका है, तो डेड स्किन जितनी भी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी, डलनेस जितनी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। एंड इसको सिर्फ आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, मुश्किल से 15-20 सेकेंड्स के लिए ही करना है, उसके बाद से आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। हर एज ग्रुप के लोग इसको लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते हैं तो वीक में कम से कम दो बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जो पिंपल्स होते हैं हमारे चेहरे पर वो चले जाएंगे, और ग्रीन टी आगे होने वाले पिंपल्स से भी बचाती है, तो आगे आपको पिंपल्स नहीं होंगे। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर तो आपको पिंपल्स होंगे ही, नहीं तो उनके लिए तो ये फेस पैक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप के लिए है। और इसको बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनएजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी एज ग्रुप के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने अपना चेहरा धो दिया है और सिर्फ दो ही चीज़ों को यूज़ करके कैसे मेरा फेस चमक रहा है, इतना अच्छा ग्लो देता है ना, अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने टॉवल से पोंछ लिया है।
इतना ब्राइटन अप करती है ना ये जो फेस पैक है, बहुत ब्राइटन करता है चेहरे को, ग्लो देता है और बहुत ही बेस्ट है। रिंकल्स नहीं होंगे, चले जाएंगे, पिंपल्स भी चले जाएंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।